मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञान वर्धक वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ, वाल्मीकि जी ने दृढ़ धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़ धनवा, सुनो, भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी वैसा ही होगा। तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुलों की भांति क्षण भंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो पुरुष हरि चरणों को का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुस्तर संसार में तारने वाला और कोई भी नहीं है। हरि की कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को अत्युत्तम वर दें। उनके देखते देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़ शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। सुदैव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जा गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूरा हो गया। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र हुआ, सदैव उत्पन्न हुआ बड़ा उत्तम पुत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया तथा स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। सुदैव ने अपने कुटुंबी जनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पुनो के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न हो यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया, फिर वेदारंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से यह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार ने वेदाध्ययन शुरू किया। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उनके एक बार के कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि आए। उनको देख सुदैव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घ पाद्यार्दि से मुनि का पूजन कर आसन बिछाया। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदैव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए, इससे तुम धन्य हो जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। यह बड़ा दुर्लभ पुत्र है। ऐसा नम्र बुद्धिमान बोलने से चतुर वेदाध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या कौटुक देख रहा हूँ। सुंदर छत्र दो चवर यव रेखा के साथ कमल चिन्ह घुटनों तक हाथी के सूर्ण के समान दोनों हाथ, कानों तक फैले हुए दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवाली त्रिवली की रेखा शोभित ऐसे पुत्र को देख मुनि आश्चर्य युक्त हो उस उत्कंठित
ब्राह्मण से बोली, हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों का सागर है, गले की हसली मांस में छिपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से दिखाई देते हैं, बैल के समान कंधे हैं, सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी श्वास लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष है जिससे इसके सब लक्षण वृथा है, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 92 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, तुम इसका मन में सोच ना करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य ही होगा ही, इसमें संशय नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे मरने वाले को औषधि देना वृथा है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए, और इधर सुदैव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत लाल काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर पुत्र को गोदी में ले प्रेम से सुख चूमपति से बोली, हे द्विजराज, यह होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो तो होगा ही, और ना होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए। राजा बलि को भी बंधनों में बांधा गया, यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वृत्तासुर भी नष्ट हो गया, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर और रावण के भी सिर काटे गए, और हे मुने, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह का दुख हुआ। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो होने वाला है सो तो होगा ही, अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वाण पद के देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदैव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतो गुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान कर पुत्र के उससे उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।